hit. Wow, pura slippery. Guys, finally ride हो गया start. तो आज का जो point है जहाँ आज लोग जाने वाले हैं वो है रोहिणी से थोड़ा ऊपर. अभी थोड़ा पेट्रोल भराएंगे फिर निकलेंगे राइड पे. और अभी टाइम हुआ है 5:24. सो पेट्रोल भी भरा लिए हम. तो आज भी आफ्टरनून को ही राइड पे निकले हैं क्योंकि सुबह से वही हाल, बहुत गर्मी. थोड़ा अच्छा सा वेदर देख के हम लोग निकले हैं आज. वो है जो दार्जिलिंग मोड़, इधर से राइड लेना पड़ेगा टू आर सुकना. कॉमन रोड है रोहिणी जाने के लिए. आप कार्ड मार के निकल गया भाई जल्दी. वाह, व्हाट ए ब्यूटी. एक्चुअली मैं कोलकाता से हूँ ना, तो जब भी सामने माउंटेन आता है ना मेरा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है. कि उधर पे सब पहाड़ वहाड़ तो देखने के लिए नहीं मिलता है ना, तो इधर इतना हार्ड जगह पे देखने के लिए मिलता है. तो सामने है मिरिक मोड़. तो लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो आपको करसियांग मिरिक, और सीधा जाएंगे तो आपको किंधरिया. तो हम लोग जाएंगे मिरिक रोड की तरफ. और दिस इज द सुकना फॉरेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इन सिलीगुड़ी. तो सी द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, पूरा घना जंगल, ग्रीन, पीसफुल, और क्या क्या सब कुछ एक साथ, छोटा सा रिवर. जो तीन माथा का मोड़ है, अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो आपको दुधिया मिल जाएगा. दुधिया जाने के लिए सीधा जाना पड़ता है और मिरिक. और हम लोग लेंगे राइट टूवर्ड्स करसियांग. इधर थोड़ा रुके थे तीनों क्योंकि सामने जो अच्छा व्यू है इसलिए थोड़ा फोटो क्लिक करना था, जो मैं अपलोड कर दूंगा मेरा इंस्टाग्राम में. तो अभी हम लोग का फोटो वोटो क्लिक करना हो गया है. अभी फिर से सामने जाएंगे जो हम लोग का प्लेस है आज जाने का, उधर अभी पहुंचेंगे. और ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट लगेगा. तो चलो निकलते हैं. सेट कर लेता हूँ कैमरा ठीक से. हाँ अभी ठीक है. उधर सनसेट हो रहा है और सामने देखो कितना अच्छा माउंटेन का व्यू, ऊपर क्लाउड जा रहा है. इट्स लुकिंग लाइक ए हेवन ब्रो. चलो तुम लोग आगे जाओ. अभी पहाड़ पे चढ़ेंगे हम. आप भी एंजॉय करो. सामने करसियांग टावर दिखाई दे रहा है, उधर ऊपर करसियांग टीवी टावर. उधर रील बन रहे है वो मैं अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम में. तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो. डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा का लिंक दिया हुआ है. और जल्दी से जल्दी जाओ, इतना अच्छा व्यू दिखा रहा हूँ. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो. और क्या बोलना है, बाकी सब आप लोगों के ही हाथ में है. आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और वायरल करो, क्योंकि और ज़्यादा नहीं है, कुछ सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने के बाद मेरा 1K कम्प्लीट हो जाएगा. तो जल्दी से जल्दी मेरा 1K कम्प्लीट करा दो, और भी अच्छा अच्छा प्लेस लेके जाएंगे. तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. आप लोग व्यू एंजॉय करते रहो, मैं आपको वीडियो दिखाते रहूँगा. और उधर सनसेट हो रहा है, यानी माउंटेन है. ये जो प्लेस है ना, इसी प्लेस पे जाएंगे, वो जो माउंटेन है उसके ऊपर जाएंगे. रोहिणी टोल प्लाजा.
और हाँ, ये वाला जो प्लेस है ये भी रिकमेंडेड बाय नीलाद्री वही जो बोला था वो सिलीगुड़ी का, एक्चुअली वो उसका होम टाउन सिलीगुड़ी में ही है, तो उसको बहुत सारे प्लेसेस पता है ऑफ बीट। तो आज ये नया प्लेस है। ओ भाई साहब, रेनबो, ओ देखो रेनबो, पता नहीं कैमरा में आया कि आ रहा है कि नहीं, कितना अच्छा रेनबो देखो। ओ तो नीलाद्री सामने जा रहा है, इनको उसको रास्ता पता है जहाँ वो लेके जा रहा है। ओके ये रास्ता दिए। ओ भाई तो हालत देखो, फिर डिसाइड करो हम लोग का क्या, मतलब मेरा क्या हाल होने वाला है पता नहीं। स्लाई तो है, इसके ऊपर तो भरोसा है, तो फिर भी जय माँ। चलो चलते हैं भाई लोग। ओ ओ, ओ, ओ। अरे बाप रे, ये तो पूरा ही ऑफ रोड है। ए! गिर गया। ना ना स्टैंड আছে ঠিক আছে, ক্লাচ লিভার রেখেছে আর কিছু, থ্যাংক ইউ। গাড়ি আছে নাকি পুরো রাস্তা এরকম? না আমি দেখছি, আমার লাগেনি। ক্লাচ তো পুরো গেছে, ক্লাচ গেছে মেরা পুরো। রেডি, 1 2 3। हुआ नहीं आज, पता नहीं क्या हो गया। सी द ब्यूटी, ये देखने के लिए इतना मेहनत। বাইক দেখি কি হয়েছে, পহলা যে ক্লাচ লিভার হে পুরা বেন্ড হয়ে গেছে, পতা নেই হ্যান্ডেল কে হুয়া হে, সমঝ মে নেই আ রহা হে। ইধর থোড়া স্ক্র্যাচেস আয়া হে, কুছ পানে কে লিয়ে কুছ খোনা পড়তা হে না, তো জিসকে লিয়ে হাম লোগ ইতনা মেহনত করকে বাইক বাইক গিরা কে ইতনা কুছ করকে আয়ে হে, জো ভিউ এনজয় করনে কে লিয়ে, ও দেখো সামনে। ওয়াও পুরা সিলিগুড়ি कैसा नज़र है यार, इतना अच्छा नज़र है। तो और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है, तो ड्रोन शॉट अभी नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी चलो ड्रोन शॉट एंजॉय करो, फिर बात करते हैं।
सो कैसा लगा मेरा ड्रोन शॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अंधेरा भी हो गया है थोड़ा, अभी टाइम भी हो गया है आपका 6:43 और हम लोग कहाँ पर है वो रेफरेंस देने के लिए मैं जो बता रहा हूँ, अब देखिए वो जो सामने है ऊपर है कर्सियंग टावर, शायद गोप्रो में उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और उधर एक लेक है, वो है रोहिणी पार्क का लेक, और उधर वो जो एरिया है वो कर्सियंग है। और सामने जो उधर जो एक टावर जैसा दिखाई दे रहा है ना येलो कलर का, शायद अंधेरा हो गया है तो ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो वो है रोहिणी टेम्पल। और पीछे है सिलीगुड़ी, अभी सिलीगुड़ी का व्यू देखो जस्ट। पूरा लाइट जल रहा है, जो कैमरा में जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जो सामने देख के मैं फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। हम लोग एक अलग ही पहाड़ पे है जो अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं किया है। ये पहाड़ लोकल जो आते हैं घूमने के लिए, इसको हेवन बोला जाता है क्योंकि चारों तरफ जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है। और उधर है शानू और नीलाद्री, उधर बैठ के ये व्यू एंजॉय कर रहा है। और बाइक है हम दोनों का इधर पार्क किया हुआ, बाइक मेरा बाइक पता नहीं क्या हुआ है, तो बाइक घर में जाके देखूंगा। इतना मेहनत करने के बाद जो प्लेस पे हम आए हैं ना, मतलब सच में दिल से बोल रहा हूँ मैं, मन भर गया है। और ऊपर सामने का स्काई जस्ट देखो कितना अच्छा है। और इधर पे भी जो सिलीगुड़ी का व्यू आ रहा है, मतलब पूरा अंधेरा हो गया है, लाइट जल रहा है सिलीगुड़ी का, उधर थोड़ा बिजली चमक रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये नज़ारा मैं पहले कभी नहीं देखा हूँ सिलीगुड़ी का, इतना अच्छा नज़ारा अंधेरा में लाइट जलने के बाद सिलीगुड़ी सिटी का व्यू कितना अच्छा लगता है, मैं आज वही देख रहा हूँ। ओके गाइस, आज का वीडियो और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा आधा घंटा बैठेंगे, थोड़ा और अच्छा व्यू एंजॉय करेंगे, फिर निकल जाएंगे घर की तरफ। तो आज के लिए वीडियो इधर ही क्लोज करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। और अभी तक जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और नया जो प्लेस है इसको और दोस्तों को बोलो कि वो लोग भी आके व्यू एंजॉय कर पाए। ओके टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।